स्टूडेंट्स, आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी सात के विविध के अंदर प्रश्न नंबर 13 से। तो देखिए, इसमें चर की घात चर आ गई, दोनों पक्षों में अपन लोग ले लेंगे, तो लोग बाई बराबर ये आगे आ जाएगा, घात साइन एक्स माइनस कोस एक्स और लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो इसका वाई का करेंगे 1/y dy अपॉन dx। ये जोंका क्यों रख लिया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इसका करेंगे तो 1/ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी प्लस हो जाएगा। प्लस ये जोंका क्यों रख लिया, साइन लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन का करेंगे कोस एक्स और कोस एक्स का करेंगे तो प्लस का साइन एक्स। ये इससे कट जाएगा, y साइड आगे गुणा में, तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की घात साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये तो अपना y का मान हो गया, अंदर क्या बचा इन दोनों में से, ये पर कॉमन देख सकते हैं, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, एक, और यहाँ पे लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये अपना आंसर आ गया किसका, 13 का, यही अपन को दिया हुआ। अब देखिए अपना 14 नंबर क्वेश्चन, y बराबर साइन साइन एक्स। अपन को बोल रहा है कि आपको सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में जीरो। तो वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का कोस आगे साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये जो का क्यों रख लिया, कोस साइन एक्स। इस कोस एक्स का करा तो माइनस का साइन एक्स, प्लस कोस एक्स जो कहते हो इस कोस का करेंगे तो माइनस का हो जाएगा साइन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, ये हो गया। आप देखिए अपन इसमें जैसे अपना मान पुट करें, तो मान पुट करेंगे तो यहां से अपन मान ज्ञात कर लें, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो है बराबर, ये कोस मैं इस साइड भाग में ले जाऊं तो कोस साइन एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स बटा में कोस एक्स, यानी इसकी जगह मैं लिख दूं माइनस का 1/ कोस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, और आगे है साइन एक्स माइनस साइन साइन एक्स की जगह क्या रख सकते हैं वाई, तो आ जाएगा कोस एक्स ही स्क्वायर और इसकी जगह आ जाएगा वाई बराबर, ये इतने का इतना ही रख लीजिए। अब ये साइन बटा कोस क्या बन जाएगा टेन, उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का टेन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स और वाई बराबर जीरो। ये अपन को करना था सिद्ध, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए अपना 15 में पहला दे दिया y बराबर e की घात ax sin bx, सिद्ध करना है d square y upon dx square माइनस का 2a dy upon dx plus a square plus b square y is equal to 0। तो इसको करेंगे तो dy upon dx e की घात ax का e की घात ax और ax का a, तो ये sin प्लस ई की घात एक्स जो का तो साइन का कोस बी एक्स और बी एक्स का बी तैयार। अब इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं वाई लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा अपना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, दोनों में से ई की घात एक्स कॉमन आ गए, या अपन इसको सीधा वाई लिख दें तो ए वाई और ये आ जाएगा प्लस बी ई की घात ए एक्स और कोस बी एक्स। तो अब अपन इसका करेंगे, देखिए
डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वेयर बराबर में ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसका करेंगे बी बाहर रख लिया एक आते एक्स का एक आते एक्स कोस डी एक्स और इसका ए प्लस एक आते एक्स जो कहते हैं कोस डी एक्स का माइनस का साइन बी एक्स और बी एक्स की जगह क्या आ जाएगा अपना बी आ जाएगा तो ये अपना आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वेयर बराबर ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए बी ई की घात ए एक्स कोस बी एक्स माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वेयर ए की घात ए एक्स और साइन बी एक्स तो ए की घात ए एक्स साइन बी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो वाई और जैसे मैं ये तो मिनट हो देता हूँ अब इसको दोबारा करता हूँ तो ये लिखूंगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर में ए डी वाई अपॉन डी एक्स तो है अब देखिए आगे ये बी ए की घात एक्स कोस बी एक्स की जगह ये इस साइड जाके माइनस का तो मैं ए तो बाहर रह जाएगा प्लस का है और इसकी जगह क्या रख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस का ए वाई ठीक है फिर बी स्क्वेयर का बी स्क्वेयर और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं वाई तो ये क्या आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वेयर ये ए डी वाई अपॉन डी एक्स ये भी प्लस का ए डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस का ए स्क्वेयर वाई माइनस का बी स्क्वेयर वाई तो ये दो हो जाएगा तो बी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ए साइड जाके माइनस का दो ए डी वाई अपॉन डी एक्स ये इस साइड जाके दोनों प्लस के वाई आ गया कॉमन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये बात करनी थी अपन को ठीक ये हो गया अपना 15 के में पहले आगे में दूसरा देखिए y बराबर साइन इनवर्स x बटा रूट वन माइनस x स्क्वायर छेद करना है वन माइनस x स्क्वायर y टू यानी दो बार उकलन बराबर तीन ए वाई वन माइनस वाई और बराबर में फिर से जीरो दे दिया तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ होगा वो अपन छेद करेंगे तो पता लग जाएगा तो इसकी मैं पहले पत्र गुणा कर लेता हूँ दिया जाएगा वन माइनस दोनों पक्षों की दिया जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और ये साइन इनवर्स एक्स की घात इसका करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर जो करते हैं इसका दो वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर जो करते हैं इसका माइनस का इसका करेंगे तो दो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का वन माइनस से तो दो दो और दो कट जाएगा ये आ गया इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो अपना फिर से वाई लिख सकते हो तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर तो ये बराबर में आ जाएगा क्या वाई तो देखिए इस साइड से अपन y कॉमन ले सकते हैं तो y से स्क्वायर गई और ये y कट गया क्या बच जाएगा एक माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का x y और बराबर में क्या बच जाएगा ये इसका दोबारा करेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर जो करते हैं इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स जो करता हूँ तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस का दो है ये माइनस एक्स जो करता हूँ इसका डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई जो करता हूँ एक्स का एक बराबर का क्या आ जाएगा जी तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वाई टू ये वाई वन और कितना माइनस का दो एक्स इसको करेंगे तो माइनस का एक्स वाई वन प्लस का वाई स्क्वायर टू जीरो तो ये यहाँ पे क्या है माइनस ही है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू या माइनस का तीन एक्स वाई वन प्लस का वाई
ये सॉरी माइनस का ही आएगा, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का बराबर में क्या जाएगा जीरो, ये हो गया अपना 15 नंबर। रोल्ले का ओपन सत्यापन करेंगे, x माइनस दो और रूट एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है जीरो से दो, तो अपन कहां पे लेके चलेंगे इसका बीच x बराबर एक, तो f एक का मान एक माइनस दो और रूट एक क्या आ जाएगा माइनस का, f एक प्लस एच तो एक प्लस एच माइनस दो रूट एक प्लस एच तो वो क्या आ जाएगा माइनस, सीधी सी बात लिख देंगे एफ एक्स अंतराल 0.2 में सतत, फिर अपन इसको लेके चलेंगे अवकलनी, तो एफ डैश ए प्लस एच तो आ जाएगा एक प्लस एच माइनस दो रूट एक प्लस एच और माइनस इसका मान माइनस माइनस प्लस ए, नीचे अपना क्या आ जाएगा क्या माइनस का एक प्लस का एच और रूट इसको मैं लिख सकता हूँ एक प्लस एच की घात एक बटा दो प्लस का एक नीचे एच क्या जाएगा माइनस एक प्लस का एच, इसको लिख सकता हूँ एक प्लस एक बटा दो एच वो घात वाला सिस्टम प्लस एक बटा में एच, इस साइड कर लेता हूँ क्या जाएगा माइनस का एक प्लस का, इन दोनों की गुणा करेंगे देखिए अपन इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का एक, माइनस का एक बटा दो एच प्लस का एच और प्लस का एक बटा दो एच की स्क्वायर और आगे प्लस का एक है भाग में एच, एक से एक कट जाएगा एच आ गया कॉमन, क्या बचेगा माइनस का एक बटा दो प्लस का एक और प्लस का एक बटा दो एच, एच एच से एच कट जाएगा एक बटा दो में से एक बटा दो जाएगा एक बटा दो इसका मान हो जाएगा जीरो, माइनस लेके चलेंगे तो ये माइनस 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 और नीचे माइनस, तो ये माइनस और नीचे माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, गुणा करने वालों में ध्यान रखना है जैसे माइनस के एक की माइनस और इसके माइनस के एक साथ करेंगे तो ये प्लस का एक बटा दो, माइनस एच के एक से करेंगे तो ये आएगा माइनस का एच और माइनस माइनस के करेंगे तो ये प्लस का एक से एक कट जाएगा, अब देखिए अपना नीचे माइनस का एच साथ में फाइव, ये यहाँ से मैंने कॉमन लिया एच तो एक बटा दो प्लस का और एक माइनस का, नीचे माइनस का था ये इसमें से घटाएंगे तो माइनस का एक बटा दो बचेगा क्योंकि माइनस से एच फिर कट जाएगा एच एच, ये माइनस का ही क्या आ जाएगा एक बटा सॉरी प्लस का क्या आ जाएगा ये एक बटा दो, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं दूसरी बात कि एफ एक्स जीरो से दो में आउट कर, फिर अपन लेके चलेंगे अपनी तीसरी बात, तीसरी बात क्या लेके चलेंगे एफ जीरो बराबर एफ दो, तो एफ जीरो का मान क्या जाएगा जीरो माइनस दो और रूट जीरो, यह आ जाएगा दो माइनस दो और रूट जीरो दो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो अपने रोल पेपर में क्या है बेथ, अब अगर अपन इसका पूरा मान निकालें तो ये जैसे अपन इसको सोल्व करें गुणा करें एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स की घात तीन बटा दो माइनस दो रूट एक्स, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो तीन बटा दो एक्स की घात तीन बटा दो माइनस एक माइनस का दो एक बटा दो रूट एक्स, फिर आ जाएगी तीन बटा दो ये एक्स की कितनी बचेगी एक बटा दो तो रूट एक्स, ये दो से दो कट गया माइनस का एक बटा रूट एक्स, सी रखेंगे ये इसके लघुत्तम ले लिया जैसे क्या जाएगा लघुत्तम आ गया दो रूट एक्स, तो क्या बचेगा ये तीन एक्स और माइनस का क्या देगा दो आ जाएगा, सी रखेंगे एफ डैश सी तीन एक्स माइनस दो बटा दो रूट एक्स इस पर टू जीरो, तो ये आ जाएगा तीन एक्स माइनस सी आएगा सुनिए, तो तीन सी माइनस दो बराबर जीरो सी का मान आ जाएगा दो बटा तीन, ये हो गया अपना सोलह के में तय,
छोड़ा के मैं दूसरा देखी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक और एक्स माइनस तीन, एक और तीन, तो अपन इसमें कितना लेंगे, दो। तो एफ दो का मान दो माइनस एक और दो माइनस तीन, तो एक और माइनस माइनस का एच लोगे तो भी वही बात, माइनस का एच लोगे तो भी वही बात। तो अपन लिख सकते हैं कि एफ एक्स एक कोमा तीन में सात आठ। फिर अपन ज्ञात करेंगे अवकलनीय एफ डैश दो प्लस एच, तो दो प्लस एच माइनस एक, दो प्लस एच माइनस तीन, तो माइनस का कितना आ रहा था इनका मान, माइनस का एक तो प्लस का एक, नीचे कितना एच, यह आएगा एक प्लस एच और यह आएगा माइनस एक प्लस एच प्लस एक नीचे एच। इससे क्या लिख सकते हैं, एच प्लस एक और एच माइनस एक, तो एच स्क्वायर माइनस एक प्लस का एक बाद में एच, एक से एक कट जाएगा, एच स्क्वायर बटा में एच क्या जाएगा जीरो, माइनस लेंगे तो माइनस 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 और नीचे माइनस, तो ये माइनस और ये भी माइनस। अब देखिए नीचे भी अपना माइनस था, जैसे मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन लेऊंगा तो बाहर आएगा ये का, यहाँ पे अपन हल करते हैं ये आ जाएगा एक माइनस एच, और ये जैसे माइनस कॉमन लिया तो एक प्लस एच और प्लस का एक तो बाहर में माइनस का एच, तो ये माइनस का था, इसको मैं लिख सकता हूँ एक माइनस एच स्क्वेयर प्लस का एक और नीचे माइनस का एच, माइनस को अंदर गुणा करिए माइनस एक प्लस एच स्क्वेयर प्लस का एक बाहर में माइनस, एक से एक कर गया वही क्या आ जाएगा अपना जीरो। तो अपन क्या लिख सकते हैं एफ एक्स एक कोमा तीन में अपना अवकलन ये तो हो गया। अब तीसरी बात अपन लिखेंगे एफ एक बराबर एफ तीन, तो एक रखेंगे एक माइनस एक, एक माइनस तीन, तीन माइनस एक, तीन माइनस तीन, जीरो बराबर। अब अपन करेंगे इन दोनों की गुणा कर देते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस तीन माइनस एक्स प्लस तीन, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का चार एक्स प्लस का तीन, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा दो एक्स माइनस चार, एफ डैश सी दो सी माइनस चार बराबर जीरो, सी का मान क्या आ जाएगा दो, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पहला एफ एक्स दे दिया एक्स माइनस एक एक्स माइनस दो एक्स माइनस तीन, एक्स विलोम कर रहा है जीरो कोमा चार, इसमें अपन लेके चलेंगे क्या एक्स का मान कितना दो, तो अपन को लॉन्ग आच्छित करनी थी वही अपन को सतत और अवकलनीय दोनों पार्ट देखने होंगे, तो अपन ज्ञात करेंगे एफ दो दो माइनस एक दो माइनस दो और दो माइनस तीन क्या जाएगा जीरो, एच प्लस लोगे तो भी वही, तो अपन सीधा सा लिख सकते हैं कि एफ एक्स जीरो कोमा चार में सफर। फिर अपन लेके चलेंगे क्या अवकलन, तो एफ डैश दो प्लस एच तो आ जाएगा दो प्लस एच माइनस एक दो प्लस एच माइनस दो दो प्लस एच माइनस तीन माइनस जीरो भाग में एच, फिर आ जाएगा एक प्लस एच ये एच और ये माइनस एच माइनस एक इक्वल टू और ये जीरो हो गया भाग में एच, एच से एच कट जाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं अपन एच स्क्वायर माइनस एक, एच का मान जीरो रखेंगे तो माइनस का माइनस ले लिया माइनस 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 और नीचे माइनस, तो ये एक माइनस एच ये माइनस का एच और ये माइनस नीचे माइनस ये इससे कट जाएगा, तो ये माइनस बाहर कॉमन आ गया, ये एक माइनस एच था ये एक प्लस एच आ गया, इसको कोई माइनस और इसको क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस ए, तो ये इसको लिखेंगे क्या एक माइनस एच स्क्वायर माइनस से गुणा करेंगे माइनस एक प्लस का एच स्क्वायर वही माइनस का एक, तो इसको अपन क्या लिख देंगे कि एफ एक्स
04 में आउटपुट। अब इसमें अपन क्या करना है, यहां तक तो अपने रोलेपर में वैध हो गई, सॉरी लांगराजपुर में थी, लांगराजपुर में वैध हो गई। अब अपन क्या करेंगे, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए भाग में बी माइनस ए, तो ये रखेंगे। तो ये मैं एक बार सीधा लिख लेता हूँ, एफ डैश सी आगे हल कर लेंगे, एफ बी रखेंगे चार, रखेंगे चार माइनस एक, चार माइनस दो, चार माइनस तीन, एफ ए जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस एक, जीरो माइनस दो, जीरो माइनस तीन, और नीचे चार माइनस जीरो, क्या जाएगा तीन दो और एक, माइनस माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, नीचे चार, तो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस, तीन दूनी छः प्लस छः बता चार, छः छः बारह कितना आ जाएगा तीन। फिर अपन इनके गुणा करते हैं एक बार एफ एक्स वालों की, तो इन दोनों की तो एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स माइनस का एक्स प्लस का दो, इसकी करेंगे एक्स माइनस तीन से, यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो, इसकी करेंगे एक्स माइनस तीन से, ये आ जाएगा एक्स की क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स स्क्वायर और प्लस का नौ एक्स प्लस का दो एक्स माइनस का छः, तो क्या आएगा एक्स की क्यूब माइनस छः एक्स स्क्वायर प्लस के ग्यारह एक्स माइनस का छः, ये आ गया। तो इसको देखिए अपन एफ डैश एक्स करते हैं पहले, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो तीन एक्स स्क्वायर माइनस के बारह एक्स प्लस के ग्यारह, सी करेंगे तो तीन सी स्क्वायर माइनस के बारह एक्स सी और प्लस के ग्यारह बराबर में कितना तीन, ये तीन और उस साइड ले जाएंगे तो तीन सी स्क्वायर माइनस के बारह सी और ये आ जाएंगे तीन तो प्लस के आठ बराबर आठ, दिया चौबीस और गुणा करने पर चौबीस आए और जोड़ने पर बारह आए, तो टुकड़े होंगे क्या, इसके टुकड़े नहीं होंगे तो अपन इसमें श्रीधराचार्य लगा देते हैं। तो श्रीधराचार्य ए का मान तीन, बी का मान माइनस का बारह और सी का मान आठ, रह जाएगा प्लस बारह प्लस माइनस अनुरूट एक सौ चौवालीस माइनस चार गुना आठ गुना तीन बटा में दो गुना तीन, तो यह आएगा बारह प्लस माइनस रूट एक सौ चौवालीस में से गया आठ सौ पाँच सोलह आठ चाहती है बारह बारह अट्ठी छियानवे बटा छः, तो यह जाएगा बारह प्लस माइनस चौदह में से छः गए आठ, तेरह में से चार गए नौ, सॉरी तेरह में से नौ गए चार बटा छः, तो यह आ जाएगा आठ छक्की अड़तालीस चौबीस दूनी अड़तालीस और इतना भी छोड़ सकते हैं अगर काटना चाहें तो, जैसे अड़तालीस के टुकड़े करिए तो चौबीस दूनी अड़तालीस और बारह दूनी चौबीस दूनी अड़तालीस छः सौ चौबीस आठ तीन चौबीस, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बाहर ला के दो रूटे बारह भी लिख सकते हैं और फिर चार तीन बारह दो और आ जाएगा तो सोलह दो बत्तीस सोलह तीन अड़तालीस लिख सकते हैं, तो ये इसको जैसे अगर सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा सी बराबर बारह प्लस माइनस चार रूट तीन बटा में छः, तो यह आ जाएगा दो प्लस माइनस यह आएगा दो दूनी चार और दो तिया छः और रूट तीन, तो ये इसे कर जाएगा रूट तीन, तो यह आ जाएगा दो प्लस माइनस दो बटा रूट तीन, यह आ जाएगा अपना सत्रह। दूसरा और देखिए सत्रह के में एक्स एक प्लस एक्स पाँच माइनस एक्स एक्स लेस देन दो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दो एक्स बिलोंग कर रहा है एक गुना तीन पे, तो अब अपन इसमें कहाँ पे ज्ञात करेंगे एक्स बराबर दो,
एफ दो, दो के बराबर में पाँच माइनस दो तीन, एफ दो प्लस एच दो से बड़ा यही पाँच माइनस दो प्लस एच तो यही तीन माइनस एच तो तीन, एफ दो माइनस एच दो से छोटा तो एक प्लस दो माइनस एच तीन माइनस एच तो तीन। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स एक कोमा तीन में सतत। फिर अपन लिखेंगे इसको अवकलनीय, तो अवकलनीय भी हो जाएगा एक एफ डैश दो प्लस एच तो यह आ जाएगा पाँच माइनस दो प्लस एच माइनस तीन भाग में एच, तो यह आ जाएगा पाँच माइनस दो माइनस एच माइनस तीन भाग में एच माइनस एच बटा एच तो माइनस का नहीं, एफ डैश दो माइनस एच तो एक प्लस दो माइनस एच माइनस तीन भाग में माइनस का एच तो एक बच जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस का एक आ जाएगा, ये प्लस का एक आ गया, ये माइनस का एक था, अपन दूसरे में लिख लेंगे कि एफ एक्स एक कोमा तीन में अवकलनीय नहीं, अतः है लाग्रांज माध्यमान प्रमेय वैध नहीं। ये हो गई अपनी सात की प्रश्नावली, पूरी अवकलन की बहुत ही अच्छी प्रश्नावली थी। एक क्वेश्चन आएगा छः नंबर का, इसी पे अब अपनी आगे की बारह तक की प्रश्नावलियाँ निर्धारित रहेंगी। तो एक बार आप अच्छे से इसको दोबारा निकालने की कोशिश करें। कल से अपन स्टार्ट करेंगे अपनी आठ की प्रश्नावली जो अवकलन पे ही आधारित है।